subscribe our channel and press the bell icon for regular updates. प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबों के साथ में बना रहे। हम सब के मिलने के द्वारा फिर एक बार प्रभु परमेश्वर की महिमा हो और हम सबको आशीष मिले। आमेन। तो आइए मेरे प्रियो, आज के हमारे अध्ययन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज एक महत्वपूर्ण बात को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आज के अध्ययन के लिए हमने चुना है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 3 वचन को। मेरे प्रियो, पूरे बाइबल धर्मशास्त्र में ये वचन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ये रहस्यमय एक महान सच्चाई को ये वचन हमें बताता है। मेरे प्रियो, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना कुर्बानी दी और अपना लहू बहाया और अपना सर्वस्व उन्होंने मानव जाति के लिए अर्पण किया, वो यही रहस्यमय बात है जो आज हम लोग उस पर हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो मेरे प्रियो, आइए हम लोग वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 3:3 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। आमेन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो बाइबल धर्मशास्त्र के अंदर में जो ये बात है बहुतों के लिए थोड़ा सा दुख का कारण और ठेस का कारण भी बन सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल का एक सबसे बड़ा रहस्यमय बात यही है और इसमें ही वो रहस्य छिपा हुआ है जो प्रभु यीशु मसीह हमें वो समझाना चाहते हैं। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही परिपक्व और बहुत ही बुजुर्ग और एक बड़ा धर्मगुरु जो गुरुओं का गुरु यानी यहूदियों का सबसे बड़ा मत गुरु जिसको प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन बताया। आमेन, हालेलुया। अगर आप ऊपर से पढ़ेंगे तो ये व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है उस समाज के लिए और उस कौम के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं फरीसियों में से निकोदेमस नामक का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। आमेन, हालेलुया। वो यहूदी कौम का एक बड़ा आदमी था, सरदार भी था और उस कौम का वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। लेकिन मेरे प्रियो, वो व्यक्ति लोगों से डर कर रात के समय में वो प्रभु यीशु मसीह के पास में आया। दूसरा पद को देखते हैं, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना होता तो ये सब नहीं दिखा सकता। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये यहूदियों का इतना बड़ा सरदार और रब्बी और गुरु होकर रात के अंधेरे में प्रभु यीशु मसीह के पास में आया और प्रभु यीशु मसीह के साथ में वो वार्तालाप कर रहा है और प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि तू एक विशेष व्यक्ति है और आप स्वर्ग से आए और स्वर्ग के परमेश्वर आपके साथ में हैं। अगर परमेश्वर का हाथ आपके साथ में नहीं होता तो आप इतने महत्वपूर्ण चिन्ह और चमत्कार कोई नहीं कर सकता। ये बात वो मान रहा है कि यीशु एक विशेष व्यक्ति है और वो परमेश्वर के ओर से आया हुआ है, ये भी बात वो जानता है। मेरे प्रियो, ये इतना बड़ा आदमी जो पूरे यहूदी कौम का एक महत्वपूर्ण रब्बी, वो यीशु मसीह के बारे में वो जान गया कि ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, तो उनको मिलने के लिए
वो लोगों से डर के रात के समय में वो यीशु मसीह के पास में आकर उससे ये बातें कर रहा है। आमेन, हालेलुया। तो तब प्रभु यीशु मसीह ने ये तीसरा पद उनके साथ में बांटा। ये महान रहस्य और ये महान सच्चाई प्रभु यीशु मसीह ने उस रब्बी को बताया। आमेन, वो रब्बी को बताया। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। आमेन। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने ये बड़ा रहस्य जो है उस धर्मगुरु उस रब्बी के पास में ये रहस्य को खोला और बताया कि जो कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज को कभी देख नहीं सकता। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात पर हम लोग ध्यान देंगे, इस वचन पर हमारा पूरा ध्यान लगाएंगे तो ये बात बहुतों के लिए आशीष का कारण भी है और बहुतों के लिए ठोकर का भी कारण है और बहुतों के लिए दुख और दर्द भरी भी बात है ये मेरे प्रियो। पर क्या करें, सच्चाई तो यही है। अब ये बात मेरी तो नहीं है, ये तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने ही बताया। आमेन, हालेलुया। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही ये बात कह रहे हैं, अगर मनुष्यों में से कोई भी नए सिरे से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज को कदापि देख नहीं सकता। आमेन। मेरे प्रियो, इस बात पर बहुत हमें गंभीरता से और गौर से हमें इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। मेरे प्रियो, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इतना कठोर बात उस रब्बी के सामने रखा? मेरे प्रियो, और वो रब्बी इस बात से अनजान भी है, वो समझ नहीं पाया ये बात, नया जन्म क्या होता है और नए सिरे से जन्मना क्या होता है, ये बात रब्बी भी नहीं समझा। वो धर्म का एक बड़ा उपदेशक और धर्म का एक बड़ा आदमी ये बात नहीं समझ पाया। तो आज हमारे समय में भी कई लोग ऐसे ही हैं, आज ये रहस्य को बहुतों ने नहीं समझा और ना जाना। अभी भी हम लोग निकोदियमस के जैसा ही, हम अपने आँखों पर पर्दा लेकर, हम धर्म की चादर ओढ़कर घूम रहे हैं, लेकिन सच्चाई से कोसों दूर है। मेरे प्रियो, जब रब्बी निकोदियमस जैसा इतना सीनियर मोस्ट धर्मगुरु आज पर्दे के अंदर में है, अभी भी सच्चाई से बहुत दूर है। तो मेरे प्रियो, आज मसीह कौम में भी बहुत से लोग इस महान सच्चाई से परे है, दूर है। दुख की बात यह है कि हमें थोड़ा सा उनको दुख देना तो पड़ रहा है, लेकिन सच्चाई बताना हमारा फर्ज है। सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता और सच्चाई बताना ही एक परमेश्वर का जन का कर्तव्य है। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अब चौथा पद को यदि हम देखते हैं तो यहाँ निकोदियमस ने कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? आमेन। मेरे प्रियो, अब निकोदियमस का जो जवाब है वो कितना भोला भाला है, इतना बड़ा रहस्यमय बात को उस धर्मगुरु ने बच्चों वाली बात कह दिया। यहाँ वो कह रहा है, भाई नए सिरे से कैसे जन्म ले सकते हैं? वो यीशु मसीह से सवाल करके अपना जवाब ये दे रहा है कि कोई मनुष्य जब बूढ़ा हो गया है अपने उम्र से, तो वो फिर से जाकर कैसे माँ के कोख से फिर जन्म ले सकता है, ऐसा बात कर रहा है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताऊं, आज बहुत से हमारे मसीही समाज में बहुत सारे लोग जो है आज निकोदियमस के जैसा ही धर्मशास्त्र की वो रहस्यमय बात आज तक नहीं समझ पाए। अब दुख ये है कि हम थोड़ा सा उनको दुख जरूर दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है मेरे प्रियो, इससे कोई भी अछूत नहीं है।
आज हमें हमारी मसीह कौम को यह समझाना है कि निकुदमस जो बात कर रहा है वो कितनी छोटी बात है। वो कह रहा है जब इंसान बूढ़ा हो गया है तो वो फिर से जन्म कैसे ले सकता है। ये रहस्यमय बात जो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा वो समझ नहीं पाया, क्योंकि निकुदमस जो है वो शारीरिक तौर पर जीवित है, वो आध्यात्मिक नहीं है। जो यीशु मसीह ने आध्यात्मिक तथ्य उनके सामने रखा तो वो समझ नहीं पाया और वो कह रहे हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अभी मैं कैसे फिर से जन्म ले सकता हूँ, मैं दोबारा कैसे पैदा हो सकता हूँ। मेरे प्रियो, वो ये बात नहीं समझ पाए। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का शुक्र हो कि आज हम इस बात को समझ पा रहे हैं। दूसरा जन्म का यानी फिर जन्म लेने का तात्पर्य जो है प्रभु यीशु मसीह ने कितना सुंदर रीति से समझाया, ये बात को भी आज हम लोग समझ लेंगे। आमीन, हालेलुया। तो आइए पांचवा पद को देखेंगे। अब यीशु ने क्या उत्तर दिया? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कि कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। सुन रहे आप मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कितना सुंदर रीति से निकुदेमस को जवाब दिया और वो जवाब में वो कह रहे हैं जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा, आमीन, जल और आत्मा, आमीन, हालेलुया। हम बपतिस्मा के समय में इस बात को बहुत अच्छी तरह से हम समझाते हैं, उद्धार पाने का, और प्रभु यीशु मसीह को हम अपना उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर स्वीकार करके हम अपने अंगीकार और अपने जुबान से अंगीकार और आत्मा में विश्वास के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर स्वीकार करके जब हम जल और आत्मा यानी जल बपतिस्मा के द्वारा हम ये दर्शाते हैं, ये दिखाते हैं कि हाँ मैंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है, अब मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवित हूँ और मैं अपने लिए, अब मैं अपने पापों के लिए मर चुका हूँ। ये हम जल के द्वारा, जल के बपतिस्मा के द्वारा हम ये बात को दर्शाते हैं। और आत्मा के द्वारा जन्मना, आमीन, हालेलुया। यहाँ दो क्रियाएं प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जल और आत्मा, आमीन, हालेलुया। जल और आत्मा, जल हम बपतिस्मा का चिन्ह स्वरूप दिखाते हैं और आत्मा का मतलब हम यीशु मसीह को अपने अंदर में हम लोग उनको इनवाइट करते हैं, उनको स्वागत करते हैं। यीशु मसीह आत्मा के द्वारा हमारे अंदर में जन्म लेता है, तब हमारे अंदर में नया जन्म यानी हम नए रीति से प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम फिर से जन्म ले रहे हैं, वो हमारा दूसरा जन्म होता है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, उसके लिए आपको छठवां पद को देखना पड़ेगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने और कुछ बताया, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आमीन, बहुत सुंदर जवाब प्रभु यीशु मसीह ने निकुदेमस को बताया, क्योंकि शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। बहुत स्पष्ट है ये बात मेरे प्रियो। हम शरीर से एक बार अपने माता पिता के द्वारा हम जीवित हुए हैं, ये बात को कोई झुठला नहीं सकता, ये तो सच्चाई है, ये तो जगिक सच्चाई है। हर मनुष्य एक बार जन्म लेता है अपने माता पिता के द्वारा। जैसे हम आदम और हवा के द्वारा हम शरीर से जन्मे हुए हैं, आदम और हवा के द्वारा ही ये मनुष्य जाति जो है वहाँ से लेकर यहाँ तक हम माता पिता के द्वारा शरीर से जन्मे हैं। आमीन, वो एक जन्म है, पहला जन्म। आमीन, हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं जो शरीर से जन्मा है वो शरीर का है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा का है। अब यहाँ पर शरीर और आत्मा का जन्म के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट बताया, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसे आपको बताया कि आदम के द्वारा हम शरीर से यानी माता पिता से जन्म लिए, पर अब समय आ गया है
कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए उसकी आत्मा के द्वारा जन्मना, यानी जैसा योहन्ना 3:3 में लिखा है कि मनुष्य जो है नए सिरे से जन्मे, यानी नए सिरे से जन्मना मतलब शरीर का तो हो गया लेकिन अब आत्मा से जन्मने की बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आत्मा है। हम जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु, अपना परमेश्वर हम स्वीकार कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, यीशु मसीह को जब हम पहन लेते हैं, जब यीशु मसीह को आत्मा के द्वारा हम अपने अंदर में स्वागत करते हैं, जिस दिन हमारा नया जन्म हुआ उस दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर में जब प्रवेश करते हैं, तब हम आत्मा के जन्माए हुए जन्म प्राप्त करते हैं। ये दूसरा जन्म है। आमेन, हालेलुया। मेरे पियो, यही रहस्यमय बात को निकोदियमस जो है वो धर्मगुरु और इतना सीनियर मोस्ट होकर भी वो समझ नहीं पाया। उसका कारण एक ही है मेरे पियो, निकोदियमस जो है वो शारीरिक तौर तरीकों की बातें ही वो जानता था, लेकिन आध्यात्मिक जो बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग से हम सबके लिए लेके आया, वो रहस्य को समझ नहीं पाया। आमेन, हालेलुया। इसके लिए एक ही उदाहरण है मेरे प्रियो, हम में से बहुत सारे हमारे मसीहों में अभी आज भी हम लोग बहुत सारे लोग बड़े बड़े अच्छे अच्छे नाम हम लोग लगाते हैं कि मेरा नाम फलाना है, मेरा नाम जेम्स है, मेरा नाम याकूब है, मेरा नाम इब्राहिम है, मेरा नाम मूसा है। मेरे प्रियो, ये नाम हमारा उद्धार नहीं कर सकता। जब तक आप नए सिरे से नहीं जन्मेंगे तब तक आप आत्मा में फिर से नया जन्म, नए सिरे से जन्मना अनहोना है। वही बात यीशु मसीह ने बताया। उसके लिए एक छोटा सा उदाहरण काफ़ी है। अब आप देखिए, हम लोग सब मछली खाते हैं, ठीक है। मछली कहाँ होता है? जल में होता है, समंदर में। जल में से ही उसको हम पकड़ कर लाते हैं और वो जल में ही तैरते रहता है। अब उसको फिर से धोने की क्या आवश्यकता है? आप ऐसे ही उसको काट के खा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है? ऐसा क्यों नहीं होता? मछली समंदर में और जल में रहने के बाद में भी उसको हम घर लाते हैं, उसको सबसे पहले उसके ऊपर का जो छिलका है उसको हमें अच्छी तरह से साफ करना होता है। वो छिलका ही है जो हमें रोकता है। वो छिलका अच्छी तरह से साफ करके उसको नमक लगाकर धोकर शुद्ध करके अच्छा स्वच्छ बनाकर फिर उसको अच्छे पीस में हम काट कर फिर सब्जी बनाने के योग्य बनाकर तब खाने योग्य जब होता है तब हम मछली को खा सकते हैं। वैसे ही मेरे प्रियो, जल में रहने वाली मछली जल में है, ये हम ऐसे ही उसको नहीं खा सकते। उसको धोना पड़ेगा और उसको साफ करना पड़ेगा, तब वो खाने योग्य होता है। वैसे ही इंसान मसीह कौम में और मसीह परिवार में या मसीही जिंदगी में है, लेकिन उसको धोया जाना बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो। उसका जो छिलका है, जो गंदगी है हमारे जीवन का, उसको साफ करना होगा। उसको साफ करके पूरी तरह से उसको शुद्ध करके फिर उसको हम खाने योग्य जैसा बनाते हैं। वैसे ही एक मसीही जीवन, जब तक आप साफ और पवित्र पाक नहीं हो जाएंगे, नए सिरे से जन्मने का मतलब आपका मन जब तक साफ नहीं होगा, आपका मन फिराव नहीं होगा पापों से, संसार से और गंदी बातों से और गंदी हरकतों से, जब तक हम लोग साफ नहीं होंगे, हम तब तक ईश्वर को भाने योग्य हम नहीं बन सकते। वही बात को प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में वो कदापि प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, नए सिरे से जन्मने का मतलब आप अपने संसारिक, शारीरिक और अपने सारे अभिलाषाओं,
और सारे पाप की गंदगी और सारे संसार का जो मलिनता है वो आप में से जब धोया जाएगा, निकाला जाएगा, आप पाक पवित्र शुद्ध होकर जब आप मन फिराव करेंगे और नए जीवन के लिए नए सिरे से आप जब प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म प्राप्त करेंगे आत्मा के द्वारा, तब आप दूसरा जन्म जिसको हम आत्मिक जन्म या आत्मिक जीवन बोलते हैं वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आपको स्वर्गीय राज्य का दर्जा और स्वर्गीय राज्य का मान्यता आपको नहीं मिलेगा। ये प्रभु यीशु मसीह का कहना है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, और एक उदाहरण भी हम लोग ले सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर के घर में पैदा हो जाए तो क्या वो डॉक्टर बन जाएगा? बेटा डॉक्टर बन जाएगा? पिता डॉक्टर है, चलो ठीक है, लेकिन बेटा डॉक्टर कैसे बनेगा? अगर बेटे को डॉक्टर बनना है तो उसको कड़ी परिश्रम करना होगा। डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 10 वर्ष उसको तपस्या के समान पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। अब वो खुद को 5 साल MBBS करेगा, फिर बाद में वो 2 साल प्रैक्टिस करेगा, फिर 3 साल और किसी के साथ में वो असिस्टेंट करेगा, फिर उसके बाद वो एक परिपक्व और एक अच्छा डॉक्टर बन जाएगा, तब उसको हम डॉक्टर कह सकते हैं। मेरे पियो, वैसे ही हम मसीह घराने में पैदा होने से हम मसीह नहीं बन जाएंगे, लेकिन हमें मसीहत को अपनाने के लिए हमें मसीह को नए सिरे से हमारे अंदर में हमें धारण करके नए सिरे से जन्मने का अनुभव में आना पड़ेगा। तब आप नए सिरे से जन्मे हुए एक उत्तम विश्वासी जो प्रभु परमेश्वर को भाता हुआ, ऐसा आप नए जन्म पाए हुए विश्वासी आप बनेंगे। मेरे पियो, नए जन्म का तात्पर्य यह है। मेरे पियो, ये बड़ा रहस्यमय बात, ये ऐसा गुड़ और मर्म की बात प्रभु यीशु मसीह ने ये यूहन्ना 3:3 में प्रभु यीशु मसीह ने खुलासा किया। ये बात शारीरिक लोग नहीं समझ पाएंगे, शारीरिक तौर तरीकों से जीने वाले ये बात को कभी एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, वो कभी मानेंगे भी नहीं। लेकिन सच्चाई तो ये है मेरे पियो, हो सकता है इस बात से हमने किसी को दुख दिया हो या किसी को ठोकर का कारण बनाया हो या किसी को धक्का लगा हो, लेकिन हमें क्षमा करें, पर सच्चाई तो यही है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का गुड़ रहस्य जो है, जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो संसार का सबसे बड़ा जो धर्म का किताब है बाइबिल, पवित्र बाइबिल जिसको बोलते हैं, वो बाइबिल धर्मशास्त्र ही ये बात कह रही है। यूहन्ना 3:3 में लिखा है, यीशु ने उससे को उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। मेरे पियो, सच्चाई यही है। ये बात हमारी नहीं है, मैंने नहीं कहा, ये तो प्रभु यीशु मसीह ने और संसार का ये पवित्र किताब बाइबल धर्मशास्त्र ने कहा है। ये सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता। ये सच्चाई आध्यात्मिक दुनिया की एक महान सच्चाई जो है वो यूहन्ना 3:3 में छिपा हुआ है। आज इस बात को हमने जैसा खुलासा किया उस पर आप ध्यान दें और उसको आप और भी गहरा अध्ययन करें कि मैं क्या नया जन्म पाया हूँ, क्या मैंने नए सिरे से जन्म लिया है, क्या मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर में, मैंने उनको जन्मा लिया है, मैं मेरे अंतरंग में क्या प्रभु यीशु मसीह नए सिरे से मुझे जन्मा कर उनका मेरे अंदर में क्या जन्म हुआ है, इसे हमें टटोल कर देखना होगा, समझना होगा। अगर आप नए सिरे से नहीं जन्मे, नए सिरे से जन्मने का अनुभव अगर आपके पास में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अभी इस महान सच्चाई को आप अपनाएं और उसे समझें और फिर आप, आपके पास अभी समय है,
आप अभी भी प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, अपना प्रभु, अपना परमेश्वर स्वीकार करके, अपने पापों का अंगीकार करके, अपने आप को पवित्र करके, अपने आप को शुद्ध करके, अपने आप को तैयार करके आप इस महान सच्चाई के अंदर में आप आ सकते हैं। नए सिरे से जन्मना अवश्य है मेरे प्रभु, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस धर्मगुरु को ही बता दिया कि आपको नए सिरे से जन्मना अवश्य है। आप धर्मगुरु होकर भी, आप इतने सीनियर मिनिस्टर होकर भी आपको नए सिरे से जन्मना अवश्य है, अन्यथा आप अगर नए सिरे से ना जन्मे तो आपके इतने साल की सेवकाई, आपके इतने साल का तजुर्बा, आपके इतने साल के सीनियर मोस्ट जो अनुभव है वो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने निकोदियमस को, धर्मगुरु को समझाया। तो आज इसमें हमको भी पाठ है मेरे को, हमें भी इस पाठ से कुछ सीखना जरूरी है। इसलिए हमें नए सिरे से जन्मना होगा। आमेन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। इन बातों के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके साथ में बना रहे। आमेन, आमेन।